ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुना दी। इसका मतलब है वली अब हर तरफ से पकड़ा जाएगा। जाहिर है जितना बड़ा स्कैम उसने किया है, आपके पैसे तो उसे हर हाल में वापस करने होंगे। सब मिलकर उसके गले में हाथ डालकर अपने पैसे निकलवाएंगे। बस अब आप सोचें कि राहत साहब, मैं आपको कॉल बैक करता हूं, घर में मेहमान आए हुए हैं। ओके ओके। ताईजान, आप खैरियत है? आप यहां पर किस वक्त आई? आप जिस वक्त वली के खिलाफ जहर उगल रहे थे। ताईजान, कैसी बातें कर रही हैं आप? वली भाई है मेरा, लेकिन जो कुछ उसने किया है उसकी सजा तो उसे मिलेगी ना ताईजान। ना तो उसे मैं बचा सकता हूँ ना आप। सिंपल। तो जख्मों पर नमक छिड़कना जरूरी है क्या? लगता है आज फाइनली आपको इस बात का एहसास हो ही गया है कि दूसरों के जख्मों पर नमक छिड़कने का क्या असर होता है। आप और वली सारी जिंदगी मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते रहे, तो जानती हूं उसका अपना ही एक मजा है। लगता है तुमने अपनी माँ से इस किस्म की बातें करना खूब सीख लिया है। मैंने तो और भी बहुत कुछ सीख लिया था ईशा, लेकिन अपनी माँ के साथ साथ आपसे और वली से भी सीख। बट दिस इज़न्ट अबाउट मी टुडे। मुझ पर गौर व फिक्र करने के बजाय अपने बेटे की फिक्र करें जिसे पुलिस पकड़ कर ले जा चुकी है। खैर, आप जाने और आपका बेटा, मुझे तो मेहमान देखने हैं अभी। ऑल द बेस्ट। हाँ बोलो अनस।